कोरोना वायरस की अब वो नेगेटिव आ गई है। कोरोना जांच की छठवीं रिपोर्ट कनिका कपूर की अब नेगेटिव आई है। पीजीआई से कनिका कपूर अब डिस्चार्ज कर दी गई है। 15 दिन से पीजीआई में ही भर्ती थी कनिका कपूर। छठी रिपोर्ट कनिका कपूर की नेगेटिव आने के बाद कनिका कपूर को पीजीआई से डिस्चार्ज किया गया है। यह बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे लखनऊ से। कोरोना जांच की छठी रिपोर्ट कनिका कपूर की अब नेगेटिव आई है। पीजीआई से कनिका कपूर को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। 15 दिन से ही देखिए पीजीआई में भर्ती थी कनिका कपूर, और जब उनमें कोरोना वायरस की पुष्टि हुई थी, जब उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, उसके बाद से लगातार कनिका कपूर ऑब्जर्वेशन में थी। पीजीआई में उनको एडमिट किया गया था और लगातार उनकी जांच भी की जा रही थी, लेकिन अभी तक उनकी जो जांचें थी वो लगातार नेगेटिव आई थी। लेकिन अब कनिका कपूर के लिए राहत की बात यह है कि कनिका कपूर की जो छठी रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है, और इसी के साथ कनिका कपूर को पीजीआई से अब डिस्चार्ज कर दिया गया है। कोरोना जांच की छठी रिपोर्ट कनिका कपूर की नेगेटिव आई, और 15 दिन बाद अब पीजीआई से कनिका कपूर डिस्चार्ज की गई है। यानी कि कनिका कपूर इस वक्त कोरोना की जंग जीत चुकी हैं। संजय सिंह चौहान हमारे सहयोगी जुड़ चुके इस खबर पर। संजय, कनिका की रिपोर्ट नेगेटिव आने के साथ साथ उनको डिस्चार्ज किया गया है, आगे भी क्या कनिका को भी एहतियातन कहा गया है कि वो ऑब्जर्वेशन में रहेंगी, घर के अंदर ही रहेंगी, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, मैं बताऊं शिवानी की, जिस तरीके से कनिका कपूर को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था तो उनकी फर्स्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। थर्ड जो रिपोर्ट आई थी वो न तो निगेटिव थी न पॉजिटिव, लेकिन उसके बाद जो रिपोर्टें आई हैं वो लगातार निगेटिव आ रही थी, और कल से इंतजार चल रहा था कि अगर छठी रिपोर्ट उनकी निगेटिव आती डिस्चार्ज कर, हालांकि उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन एहतियात के तौर पर घर पर ही रहना होगा, और डॉक्टर लगातार निगाह बना के रखेंगे कि अगर बैक करता है कोरोना तो उन्हें फिर से क्वारंटाइन किया जा सके, उनका इलाज किया जा सके। फिलहाल अच्छी खबर यह है कि पीजीआई से 15 दिन के बाद कनिका कपूर जो बॉलीवुड के सिंगर है उन्हें वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया। बिल्कुल संजय, देखिए डिस्चार्ज हो चुके हैं कनिका, और अब अपने घर के लिए वो जरूर निकलेंगी। लेकिन संजय ये बताइए, क्या वो पीजीआई हॉस्पिटल से निकल चुकी हैं? क्या उनको अभी भी निगरानी में ही घर तक छोड़ा जा रहा है, जिस तरह से उनको एहतियातन लेके आया गया था हॉस्पिटल की गाड़ी से? बिल्कुल, जिस तरीके से उनको वहाँ पे लेके गया था, अभी कुछ ही देर में कागजी कार्रवाई है वो चल रही है, कुछ ही देर में उनको वहाँ से डिस्चार्ज ऑफिशियल तौर पे कर दिया जाएगा, लेकिन ये घोषणा कर दी गई है कि कनिका को ऑफिशियल आज डिस्चार्ज किया जाएगा, तो कुछ ही देर बाद उन्हें घर के लिए रवाना कर दिया जाएगा। हालांकि एहतियात के तौर पर उन्हें अभी भी लोगों से दूर रहने की सलाह दी गई है, डॉक्टर्स लगातार उन्हें सलाह मशविरा कर रहे हैं, उन्हें कोऑपरेट करने की भी बात की जा रही है, और उन्हें घर पर ही रहना होगा। अभी वो मुंबई या बॉलीवुड के तमाम कार्यों में संलिप्त नहीं हो पाएंगी, एहतियात उनको बरतना होगा। शिवांगी, बिल्कुल संजय, देखिए कनिका के लिए बेहद ही राहत की खबर है, क्योंकि जिस तरह से वो लगातार नखरे भी दिखा रही थी, कह रही थी कि उनके साथ कुछ सही नहीं हो रहा हॉस्पिटल में, लगातार उनके नखरे भी झेले हॉस्पिटल के स्टाफ ने। अब कनिका का क्या कुछ कहना है, क्या अभी तक कनिका ने इस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया दी है क्या, या अभी तक उनको कुछ भी बोलने से मना किया गया? शुरुआत की बात अगर करें तो शुरुआत में कनिका कपूर के काफी नखरे देखने को मिले थे, और स्टाफ काफी परेशान था, उन्होंने खाने की भी डिमांड जो की थी वो बाहर से खाना मांग रही थी लगातार, लेकिन अब बीच में जैसे ही लगातार समय व्यतीत होता गया लेकिन वो भी नॉर्मल हुई, और अब उन्होंने भी उसके जब उनकी तीसरी रिपोर्ट निगेटिव आई थी तो उन्होंने अपने इंस्टा के अकाउंट में शेयर किया था कि मैं प्रोग्रेस कर रही हूँ और जल्दी स्वस्थ हो जाऊंगी, तो अब वो काफी उत्साहित और खुश नजर आ रही है शिवंगी। बिल्कुल संजय, देखिए खुशी की बात कनिका के लिए जरूर है, क्योंकि जिस तरह से वो हॉस्पिटल में थी वो वहां पर रुकना ही नहीं चाह रही थी, हमने देखा था क्या कुछ वो कहती नजर आई थी, नखरे उनके लगातार जारी थे। लेकिन संजय ये बताइए, कनिका अगर घर पे पहुंचती है अपने, तो घर में भी उनको एहतियातन घर वालों से अलग रहने के लिए कहा गया है अभी? बिल्कुल, अभी उनको कुछ ही देर बाद वो यहाँ से रवाना होंगी, घर पहुंचेगी, अलग रहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा एहतियात बरतना होगा, क्योंकि कोरोना से तो वापसी हो गई है लेकिन कोरोना फिर से वापस ना आए, क्योंकि कनिका वीक भी हुई है इस बीच 15 दिनों के अंदर, क्योंकि जो है मेडिकल के हिसाब से जो खाना था वो उन्हें दिया जा रहा था। बने रहिए हमारे साथ, और देखिए कनिका कपूर के लिए राहत की खबर ये है कि कनिका कपूर की जो छठी रिपोर्ट आई है वो नेगेटिव आई है। कोरोना वायरस के चलते कनिका कपूर पिछले 15 दिनों से ही पीजीआई में ही भर्ती थी, पीजीआई में ही उनको एडमिट किया गया था, ऑब्जर्वेशन में किया गया था, आइसोलेट कर दिया गया था, और जब कनिका कपूर देखे पार्टी में शामिल हुई थी, लोगों के साथ मिली थी विदेश से लौटने के बाद, उस वक्त ये आशंका लोगों की बढ़ गई थी कि कनिका के संपर्क में जो जो लोग आए हैं वो हो सकता है अब कोरोना का शिकार हो जाए। लेकिन शुक्र गनीमत यह रही कि लोग उसकी चपेट में नहीं आए, लेकिन कनिका कपूर जरूर पॉजिटिव पाई गई थी, और इसीलिए वो 15 दिन से लगातार पीजीआई में भर्ती
दी थी कनिका के लिए राहत की खबर, क्या वो डिस्चार्ज हो गई है। संजय सिंह चौहान हमारे साथ सीधे अब जुड़ गए हैं लाइव। संजय देखिए, कनिका की बात करें तो कनिका खुश जरूर होंगी, जैसे कि उन्होंने बताया था कि जब वो बीमार थी तो इंस्टा पे तुरंत उन्होंने पोस्ट किया। क्या अभी तक कनिका का कोई इंस्टाग्राम अकाउंट जिस पर उन्होंने कुछ शेयर किया हो अपनी इस खबर को लेकर कोई बात? बिल्कुल जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि कनिका वहाँ पर अकेले थी और वहाँ पर इलाज चल रहा था, तो कहीं ना कहीं फर्स्ट एड भी हो रही थी, क्योंकि कोरोना जैसा जैसी घातक बीमारी। तो शुरुआत में जिस दिन वो एडमिट हुई थी उस दिन भी उनके इंस्टा पे बहुत घेरा की जा रहा था, सोशल मीडिया पे बहुत सारी तल्ख टिप्पणियाँ उनके खिलाफ की जा रही थी, तो उसको भी उन्होंने जवाब दिया था। उसके बाद जैसे ही उनकी जो हेल्थ की रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव जो प्रोग्रेस कर रही थी उस पर भी उन्होंने अपने फैंस को लिखा था, तो जरूर इस बात को लिखेंगे। अभी इसको इंस्टा को चेक करा जाएगा, देखा जाएगा कि किस तरीके की उनके जो मन के उद्गार हैं वो आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल अच्छी खबर यह है कि राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से कनिका के आने के बाद माहौल खराब हुआ था, कनिका ने तमाम जगह पार्टी की थी, तमाम लोग उसमें जांच के दायरे में आए थे, लोग हालांकि कई लोगों की रिपोर्ट जो है निगेटिव आई थी। शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कनिका कपूर की छठी रिपोर्ट देखिए, कोरोना नेगेटिव आई है, कनिका कपूर को राहत मिलती हुई। और देखिए बड़ी खबर आपको बता दें, बलरामपुर से है, बीजेपी महिला जिलाध्यक्ष का कारनामा सामने आया है। ये बड़ी खबर हम आप तक बलरामपुर